बाहर से भीतर समेट लें, अपने में लगा लें। ये जो लोग वैराग्य वैराग्य बोलते हैं ना संसार में, तो राग के अभाव का नाम वैराग्य नहीं है वो, क्योंकि राग का जो अभाव है वो राग का निरोध करने में समर्थ नहीं है, अभाव भाव का निरोध नहीं कर सकता। ये नियम है कि अभाव भाव का निरोध नहीं करता, जो मर गया वो जिंदे का निरोध क्या करेगा। घटा भाव घड़े का नियंत्रण नहीं कर सकता, न प्राग भाव, न प्रध्वंसा भाव, न अन्योन्या भाव, न अत्यंता भाव, कोई अभाव निरोध नहीं करता। तो असल में राग द्वेष मिटाने के लिए एक भावात्मक वृत्ति हृदय में चाहिए। वो भावात्मक वृत्ति क्या है, तो चाहे तो आत्माकार वृत्ति होवे और चाहे तो भगवदाकार वृत्ति होवे। जब आत्माकार वृत्ति होगी तब अनात्माकार वृत्ति का तिरस्कार हो जाएगा, या तो भगवदाकार वृत्ति होगी तो जगदाकार वृत्ति का तिरस्कार हो जाएगा। इसलिए जब भक्ति वृत्ति हृदय में आती है तब प्रपंच से वैराग्य स्वयं होता है। तो निरोध रूपत्वाद का अर्थ ये हुआ कि जब हृदय में भगवत भक्ति का जागरण होता है तब लौकिक पारलौकिक विषयों में से चित्त वृत्ति अपने आप ही रुक जाती है। एक जगह मन लगा तो दूसरी जगह से हट गया, और जो लोग एक जगह मन न लगा के ऐसे ही हुक्म देते रहते हैं कि वैराग्य करो वैराग्य करो, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, पकड़ने का तो कोई सहारा नहीं, और जो पकड़े हुए है उसको छोड़ दे, तो न घर के न घास के, भगवान तो मिला नहीं और संसार छूट गया, तो धोबी का कुत्ता, न घर का न घास का। इसलिए पहले या तो योगाभ्यास के द्वारा वृत्ति को आत्माकार करो। योगाभ्यास माने वेदांत, वेदांतोक्त योग निधिध्यासन, विजातीय वृत्ति करके सजातीय वृत्ति का प्रवाह करो, आत्माकार वृत्ति करो, अनात्माकार वृत्ति मिटेगी, वैराग्य अपने आप होगा। और भगवदाकार वृत्ति करो तो वैराग्य अपने आप होगा संसार में। और ये कहो कि हम संसार को मिथ्या समझेंगे तो वैराग्य हो जाएगा, ये बच्चों की बात है। संसार को मिथ्या समझने से वैराग्य नहीं होता है। जो लोग इस रास्ते में नहीं चले हैं उनकी यही पहचान है। तो क्या कि जो संसार को मिथ्या समझेगा वो राग को भी मिथ्या समझेगा, और जब राग को मिथ्या समझेगा तो मिठान मिटाने की जरूरत ही नहीं समझेगा। मिथ्या को मिटाने की क्या जरूरत है, बोले राग को ब्रह्म समझो तो भी मिटाने की जरूरत नहीं है, और राग को मिथ्या समझो तो भी मिटाने की जरूरत नहीं है। वो तो संसार के विषय से विलक्षण, जब भगवान से राग करो तब संसार का राग मिटेगा, या दृश्य प्रपंच से विलक्षण आत्माकार वृत्ति करो तब संसार से राग मिटेगा। सबको ब्रह्म समझने से भी वैराग्य नहीं और सबको मिथ्या समझने से भी वैराग्य नहीं, क्योंकि उसमें तो राग द्वेष ही मिथ्या हो जाते हैं। तब तो यूं कहेंगे कि राग है तो क्या हुआ, मिथ्या है। तब तो यूं कहेंगे कि द्वेष है तो क्या हुआ, मिथ्या है। बोले अरे साधु होके गाली देते हो, बोले अरे ये तो मिथ्या है, ये तो मिथ्या है। तो इसका नाम वैराग्य नहीं होता है। वैराग्य तब होता है जब या तो आत्माकार वृत्ति होवे या तो भगवदाकार वृत्ति होवे। इससे पहले वैराग्य हो जाए और उसके बाद भगवान का दर्शन, भक्ति के बाद भगवान का दर्शन, या उसके बाद
आत्मा और ब्रह्म की एकता का ज्ञान। तो रास्ते में जो वैराग्य आता है वो बिना भावात्मक वृत्ति के वैराग्य नहीं होता है, इसलिए बीच में वैराग्य की जरूरत है। निरोध इसको बोलते हैं, निरोध। सारा काम मिट जाएगा, कामनाएं मिट जाएंगे। तो उसकी परिभाषा बताते हुए देवर्षि नारद ने जरा हल्का करके बताया कि भगवान में अनन्यता का होना और भगवत विरोधी वस्तुओं में उदासीनता का होना, ये भी निरोध है। तो अनन्यता क्या है? अन्य आश्रयों का त्याग। और विरोधियों में उदासीनता क्या है? लोके वेदेशु तदनुकूला चरणम। देखो क्या भावात्मक बात बता रहे हैं, लोके तदनुकूला चरणम। भक्त को लौकिक काम नहीं छोड़ देना चाहिए। मुंडन संस्कार बच्चे का हो तो खुद प्रेम से कराओ, यज्ञोपवीत भी कराओ, ब्याह भी कराओ, है ना। लोके तदनुकूला चरणम, उसमें एक बात रखो तो भाई धर्मशास्त्र भी भगवान की आज्ञा है ना, तो भगवान की आज्ञा के अनुसार हम बालक का मुंडन करा रहे हैं तो अपने स्वामी की आज्ञा का पालन ही तो कर रहे हैं ना। यज्ञोपवीत करा रहे हैं तो ये ही तो अपने स्वामी की आज्ञा का पालन ही कर रहे हैं ना। विवाह संस्कार कराना चाहिए ऐसे कि भाई अपनी जीविका के लिए, अपनी जीविका के लिए व्यापार कर रहे हैं। भगवान की आज्ञा है कि जब तक तुम गृहस्थ आश्रम में रहो तब तक धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पदार्थों का सेवन करो। तो हम भगवान की आज्ञा के अनुसार, भगवान की आज्ञा के अनुसार ही लोक में बर्ताव कर रहे हैं तो इससे वो खुश होंगे। उनके हुक्म से रोटी बनाना भी भक्ति है, उनके हुक्म से स्नान करना भी भक्ति है, उनके हुक्म से सोना भी भक्ति है। जिस किनारे पर भगवान है उस किनारे पर हम हैं। अनुकूल माने कूल माने किनारा, नदी के किनारे को बोलते हैं कूल। इस कुल के हो, इस कूल पर हो कि उस कूल पर हो, कूल शब्द दूसरा है हो और कूल शब्द दूसरा है। आजकल तो उस कुल को इस कुल बोलते हैं, कुल ही बदल गया। इंग्लैंड के कुल में शामिल होना है तो उसको स्कूल बोलते हैं। तो ऋषिकुल था ना, पहले शब्द था ऋषिकुल हो ऋषिकुल। तो पंजाब में आते आते जब हिमालय में से उतरा तब तो ऋषिकुल था, और जब पंजाब में आया तो सिकुल हो गया, है ना, और यहाँ आते आते स्कूल हो गया। तो ये शब्द जो है ये बदलते हैं। तो अब देखो अनुकूल रहो, किसके? अनु माने पीछे और कूल माने किनारा। जैसे नदी के दो तट होते हैं ना, तो चकवा चकवी जो हैं वो रात को अनुकूल नहीं रहते हैं, वो उस किनारे पर गया, वो उस किनारे पर गया, और दोनों रात भर रोते हैं। तो तुम्हें उस कूल पर रहना चाहिए जिस कूल पर भगवान है। तो बाबा हम लोक के सेवक नहीं हैं, हम अपने भगवान के सेवक हैं। यहाँ बैठने से उनकी सेवा होती है तो यहाँ बैठते हैं, और वहाँ बैठने से उनकी सेवा होती है तो वहाँ बैठते हैं। हम उनके नौकर हैं। हरिचंद नगद समाज अभिमानी के बोले कि हम चाकर राधा रानी के, राधा रानी के चाकर हैं। राधा रानी के चाकर माने देवको नौकर, गुलाम राधा रानी के चाकर। चतुर के, चतुर माने चतुर शिरोमणि श्री कृष्ण के चाकर हैं, और गुलाम राधा रानी के, और राधा रानी के गुलाम हैं, और दूसरों से का हमारा कोई मतलब नहीं है। तो इसका नाम होता है अनुकूल। ये भक्त की पहचान है कि उसके अंदर छह बात जरूर रहते हैं। क्या क्या? तो पहली बात कि वो भगवान के अनुकूल ही चलने का संकल्प रखता है, और जो चीज भगवान के प्रतिकूल मालूम पड़ती है उसको छोड़ देता है, और संकट पड़ने पर भगवान हमारी रक्षा करेंगे ये विश्वास हमेशा उसके मन में बना रहता है। और जब कभी संकट मालूम पड़ता है तब वो भगवान को पुकारता है, दौड़ो हमारी रक्षा करो, और हमेशा अपने को भगवान के चरणों में डालता है और अभिमान किसी बात का नहीं करता। ये छह बात भक्त के जीवन में रहती हैं लौकिक आचरण करते समय भी।
वेद में भी बहुत बातें कही हुई हैं, तो जो भगवान के अनुकूल हो तो करना और जो भगवान के प्रतिकूल मालूम पड़े तो नहीं करना। वेद में अगर कोई हिंसा का प्रसंग आता हो तो भक्त को उसका अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। क्यों? बोले वो भगवत भक्ति के अनुकूल नहीं है, शेल जाग नहीं करना चाहिए, कारी दृष्टि नहीं करनी चाहिए, पुत्र दृष्टि करने की कोई जरूरत नहीं है, अश्वमेध राजसु करने की कोई जरूरत नहीं है, पशु याग करने की कोई जरूरत नहीं है। वहाँ तो महाराज भगवान का नाम लेकर के कीर्तन करते हुए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, जब भक्त नृत्य करता है और उसकी आंखों से जल गिरता है, उसके शरीर में रोमांच होता है, उसका हृदय गदगद होता है, कोटि कोटि यज्ञ के समान उसका वो भगवान नामोच्चारण है। इसलिए भगवत भक्ति का विरोधी जो वैदिक कर्म है उसको भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि भक्त वेद तो सबके लिए है ना। कठिनाई उसमें यही है कि वेद रागी के लिए भी है। वेद में अभिचार का वर्णन है, दर्शन, ये क्या नाम है, जो अथर्ववेद है ना, अथर्ववेद, उसमें ऐसे मंत्र आते हैं कि कोई तुमसे दुश्मनी करता हो तो लो हाथ में श्रुआ और करो ओम, यह अस्मभ्यम अरातियात यश्चनो द्वेषते जनः निंदा द्यो अस्मान दृष्टान च सर्वं तं भस्मसात् कुरु। जो हमारी निंदा करता है, जो हमसे द्वेष करता है, गवरी तो उसको भस्म करो। उसका अर्थ है जो अस्मभ्यम अरातियात यश्चनो द्वेषते जनः निंदा द्यो अस्मान दृष्टान च सर्वं तं भस्मसात् कुरु। उसमें तो बस उच्चाटन की विधि है, मारण की विधि है, मोहन की विधि है। तो जो भगवान का भक्त है वो किसी के लिए मारण मोहन उच्चाटन विद्वेषण इनकी विधि का अनुष्ठान नहीं करता है। बोले अब ये बात आई कि अनुकूल का तो भक्ति के जो अनुकूल हो उसका आचरण करे, बल्कि ऐसा भी समझो हो कि वेद का जो मंत्र भाग है वो तो ईश्वर की प्रधानता से है ही नहीं, कर्म की प्रधानता से है। ये पूर्व मीमांसक जैमिनीय दर्शन जो है ना, पूर्व मीमांसा का जो दर्शन है वो तो कर्म को ही ईश्वर मानते हैं। कर्म करो और स्वर्ग आदि फल को प्राप्त करो, भक्ति प्रधान ईश्वर प्रधान वेद का मंत्र भाग है ही नहीं। और फिर वेद सारी दुनिया के लिए है, तमोगुणियों के लिए वेद, रजोगुणियों के लिए वेद, सत्व गुणियों के लिए वेद, त्रिलोकी के लिए वेद, और भक्त को तो दुनिया से किनारा कस हो करके अपने प्रियतम प्रभु की ओर जाना है। तो उस रास्ते में ले जाने वाला जितना उपदेश है उसके अनुसार आचरण करना चाहिए। बोले दूसरे का खंडन करे, कहने खंडन बिल्कुल नहीं करना। वेद तो अपौरुषेय वचन है, अनादि है, अनंत है, भगवत स्वरूप है। वेद का खंडन नहीं करना, वेद की निंदा नहीं करना, पर अपने लिए जितना रास्ता है उतना उसमें से लेकर के आगे चलना। सन्यासी हो तो सन्यासी वाला जो विधान है तो ही मानेगा ना। सन्यासी गृहस्थ के लिए जो आज्ञा है, गृहस्थ के लिए जो वेद में विधान है उसको सन्यासी कहाँ करता है, और सन्यासी के लिए जो विधान है उसको गृहस्थ कहाँ करता है। इसी प्रकार भक्त के लिए जो विधान है उसको भक्त को करना चाहिए, और संसारियों के लिए जो विधान है वो नहीं करना चाहिए। तो तदनुकूलाचरणम का अर्थ है भक्ति के अनुकूल आचरण करना चाहिए। इसमें वेद का विरोध नहीं हुआ, वेद की निंदा नहीं हुई, वेद का खंडन नहीं हुआ, बल्कि वेद सार्वभौम है, यही बात निकली। सब प्रकार के अधिकारियों के लिए है, तो भक्ताधिकारक जो वेद है उसके अनुसार आचरण करना चाहिए, ये इसका अर्थ हुआ। अब अगले सूत्र के बारे में, पहले बड़े वाद विवाद हो चुके हैं, बड़े बड़े शास्त्रार्थ हो चुके हैं, क्योंकि हम लोग तो बचपन से सत्संग में रहते हैं ना, तो वहाँ कितनी बार कितने प्रश्न उठते हैं और कितने समाधान सुनने को मिलते हैं। भवतु निश्चय दार्ढ्या दूर्ध्वम शास्त्र लक्षणम, ये कहते हैं कि जब ऐसी बात है कि केवल वेद में से जो भगवान के अनुकूल अनुकूल है उसी का आचरण करना, फिर निश्चय हो गया कि भगवान हमारे, हम भगवान के,
भगवान की भक्ति आ गई हृदय में, तो अब वेद के अनुसार आचरण करने की क्या जरूरत है। तो बोले कि नहीं, जरूरत तो है। भवतु निश्चय दार्ढ्याद ऊर्ध्वम शास्त्र रक्षणम अन्यथा पापिद्या शंकया, जैसा अर्थ दिया हुआ है वो गीता प्रेस की पुस्तक में, पहले वो अर्थ आपको सुनाता हूँ। निश्चय की दृढ़ता होने के बाद भी शास्त्र की रक्षा करनी ही चाहिए, अशास्त्रीय आचरण नहीं करना चाहिए। अन्यथा पापिद्या शंकया, यदि शास्त्रोक्त आचरण नहीं करोगे तो गिर जाओगे, यही अर्थ है। भवतु निश्चय दार्ढ्याद ऊर्ध्वम शास्त्र रक्षणम, ऊर्ध्वम माने बाद, तो मर्यादा रहनी चाहिए, जिससे जो नए नए भक्त भक्ति के मार्ग पर चलते हैं उनका आदर्श बना रहे। यद यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेव सर्वजनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते, क्योंकि श्रेष्ठ भक्त जैसा आचरण करता है कनिष्ठ भक्त भी वैसे ही आचरण करता है, बड़े भाई जैसा काम करता है छोटा भाई भी वैसे ही करने लगता है। हम देखते हैं लोग हमारे पास अपने बच्चे लेके आते हैं ना, बच्चे तो उनको हुक्म देते हैं कि स्वामी जी को प्रणाम करो, अब वो बच्चा रोता है भागता है डरता है क्योंकि उसको संस्कार तो है नहीं। अच्छा, अब थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि जब बड़े लोग प्रणाम कर लेते हैं ना, सब पांव छूते हैं, एक ने छुया दूसरे ने छुया बड़े भाई ने छुया बड़ी बहन ने छुया, सब धीरे से वो बालक अपने आप ही आके पांव छूता है। बालक को छोटे लोग जो होते हैं वो समझना कम चाहते हैं और अनुकरण ज्यादा करते हैं। रविंद्र बाबू का एक छोटा सा निबंध है, उसका नाम है सुमति, सुमति हो। एक बालक बड़ा उद्दंड था, माँ की बात नहीं माने बाप की बात नहीं माने, जो मौज में आवे सो करे, ऐसा संजोग पड़ा कि उसके माँ बाप मर गए और घर में वही लड़का सबसे बड़ा, वही जो उद्दंड था उच्छृंखल, जुआ खेले बीड़ी पिए तमाकू पिए, अनाचार अनाचारियों का साथ करे, माँ बाप की बात जब तक माँ बाप से नहीं मानता था। उसके था एक छोटा भाई, तो जब वो सिगरेट पीने लगा, बड़ा भाई सिगरेट पीने लगा ना, तो छोटे भाई ने भी सिगरेट पीना शुरू किया, तो उसने डांटा के तुम सिगरेट मत पियो, तब वो छिपा के पीने लगा। तब वो रात को सोचा उसने कि ये क्यों पीता है, बोले मैं पीता हूँ इसलिए पीता है, कहो मैं छोड़ दूँ। अब अपने छोटे भाई को सुधारने के लिए उसने जुआ खाने में जाना छोड़ दिया, उसने ताड़ी पीना छोड़ दिया, उसने दुष्टों का संग छोड़ दिया, उसने सिगरेट पीना छोड़ दिया, अब छोटा भाई भी सुधर गया। अगर बड़े सुधर जाएं तो छोटे अपने आप ही सुधर जाते हैं। छोटे लोग ज्यादा आज्ञाकारी नहीं होते हैं, ज्यादा अनुकरणशील होते हैं, अनुकरणशील होते हैं, वो नकल करते हैं बड़ों के, वो अच्छाई नहीं समझते बुराई नहीं समझते, वो कहते भाई बड़े लोग जब चुरुट ले करके मुंह में निकलते हैं तो हम क्यों नहीं निकले। ये बात है, गांधी जी ने भी बताया कि हमने भी देखा कि घर में लोग पीते हैं तो हम छिपा के बीड़ी पीने लग गए, फिर बाद में वो छोड़ा हो किसी तरह से छोड़ा। तो ये बात है, तो भक्त जब इस शास्त्र के विरुद्ध आचरण करने लग जाएगा तो उसकी देखा देखी दूसरे लोग भी शास्त्र के विरुद्ध आचरण करने लग जाएंगे। इसलिए इस निश्चय की दृढ़ता होने पर भी कि सब भगवान है, सब भगवान का है, परमात्मा के सिवाय दूसरा कोई नहीं है और वही अनेक रूप में प्रकट हो करके निरोध कर रहे हैं, ये निश्चय हो जाने पर भी शास्त्र की जो मर्यादा है उसकी रक्षा करनी चाहिए, नहीं तो पतित हो जाने की शंका है। अब देखो दूसरी बात, तो भवतु निश्चय दार्ढ्याद ऊर्ध्वम शास्त्र रक्षणम,
निश्चय दार्ढ्यात् प्राक् शास्त्र रक्षणम् कर्तव्यम् न भवति। निश्चय दार्ढ्यात् ऊर्ध्वम् शास्त्र रक्षणम् भवतु। बड़ी अद्भुत बात कही जा रही है, ये कही जा रही है, दूसरा अर्थ सुनाते हो, ये जो पुस्तक में है ना वो नहीं है, ये क्या अद्भुत बात है। ये कहते हैं कि वेद में से जितना भगवान के अनुकूल हो उतना ही करना, और समझो सब लोग भगवान के भगत होने लगे, और अनुकूल अनुकूल तो करें और प्रतिकूल प्रतिकूल छोड़ दें। तो अश्वमेध यज्ञ नहीं होगा, राजसूय यज्ञ नहीं होगा, सेन जाग नहीं होगा, हैं? और भी वेद में जो कर्मकांड प्रधान विधियां हैं वो सब छूट जाएंगी, तो उनकी मर्यादा टूट जाएगी, उनकी रक्षा कौन करेगा। तुमने तो ये कह दिया कि जितना भक्ति के अनुकूल है उतना करो, और जो भक्ति के विरुद्ध है सो करने की जरूरत नहीं, पर जब वो छोड़ दोगे तो उनकी परंपरा अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। तो ये तो भक्त क्या हुए महाराज, जो वैदिक कर्मकांड की परंपरा है उसका नाश ही प्राप्त हो गया। तो इस पर देवर्षि नारद कहते हैं, ये शंका दूसरी हो गई हो, इस पर देवर्षि नारद कहते हैं कि भवतु निश्चय दार्ढ्या ऊर्ध्वम् शास्त्र रक्षणम्। शास्त्र की रक्षा अगर तुम्हें करनी हो तो निश्चय की दृढ़ता हो जाने के बाद करना। भवतु माने हो, निश्चय दृढ़ हो जाने के बाद शास्त्र की रक्षा। क्या मतलब कि जो आचार्य लोग हैं ना दृढ़ निश्चयी, श्री रामानुजाचार्य जी महाराज हैं, श्री वल्लभाचार्य जी महाराज हैं, निम्बार्काचार्य जी महाराज हैं, ये जो भक्ति के बड़े बड़े आचार्य हैं, इनका निश्चय दृढ़ हो गया है। अब इनको शास्त्र के सब कर्मों को करके है ना, सारी मर्यादाओं की रक्षा करने की जिम्मेवारी उन लोगों पर है जो सचमुच भगवान के प्रपन्न हो गए हैं, शरणागत हो गए हैं, वो तो करें। लेकिन निश्चय दृढ़ होने के पहले अगर शास्त्र रक्षा के चक्कर में पड़ जाओगे तो भक्ति शिथिल हो जाएगी। इसलिए जब तक तुम्हारी भक्ति पक्की न हो जाए तब तक तो शास्त्र रक्षा की जिम्मेवारी अपने ऊपर नहीं लेना, केवल अनुकूल अनुकूल करना और प्रतिकूल को छोड़ देना। लेकिन जब निश्चय पक्का हो जाए तो सब शास्त्र की सब विधियों का पालन करके और लोगों को दिखाना कि इसको ऐसे करना चाहिए। दृढ़ निश्चय जो पुरुष है, जो भगवान के प्रति आत्मसमर्पण कर चुका है, जिसका निरोध सिद्ध हो गया है, जो भगवान का भक्त है, वो यदि शास्त्र रक्षा के लिए, लोक संग्रह के लिए, लोक कल्याण के लिए जो भक्ति के विरुद्ध जो अनुष्ठान है उनको भी करे तो उससे उसकी भक्ति बिगड़ती नहीं है। और लेकिन यदि कोई नव सिख हुआ, शुरू शुरू में जो भक्ति के मार्ग में आ गया है, वो कहीं लोक संग्रह के पचड़े में पड़ गया और लोगों से कराने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को भक्ति मार्ग में चलाने के लिए यदि वो महाराज करने लग गया शास्त्र के बड़े बड़े अनुष्ठान, तो भक्ति मार्ग में विघ्न पड़ जाएगा। अन्यथा पातितिया संग्रह, यदि निश्चय दृढ़ता के पूर्व ही कोई कर्मकांड का पालन करने लग जाए तो पतित हो जाने की शंका है, माने उसकी भक्ति बिगड़ जाएगी। इसलिए जब तक सच्ची भक्ति न मिल जाए तब तक लोक संग्रह के चक्कर में नहीं पड़ना। भवतु निश्चय दार्ढ्या ऊर्ध्वम् शास्त्र रक्षणम्। और जब तक निश्चय न हो तब तक भक्त लोग तो बड़े बड़े विलक्षण भाव हैं भक्तों के भाई, कर्म कब तक करना, तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत जावता, जब तक मन में वैराग्य न हो। मत कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा यावन न जायते, जब तक भगवान की कथा सुनने में श्रद्धा न हो जाए, और श्रद्धा हो जाए रस आने लग जाए। बोले कथा छोड़ के उड़ गए, क्या करने का, नियम पालन करने के लिए। अरे बाबा नियम पालन थोड़ा बाद में 10 मिनट बात कर लेना। यदि कथा में तुम्हें भगवान का स्मरण होता है, तुम्हारी चित्त वृत्ति का निर्माण ठीक होता है, मन भगवान में लगता है, तो काला तिरेक करके संध्या वंदन सूर्यास्त के बाद भी कर लो, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन नियम पालन करने की कर्मठता में आकर के भगवत रस का तिरस्कार कर देना ये उचित नहीं है।
भगवत रस का तिरस्कार तब नहीं करना चाहिए जब श्रद्धा का उदय हो जाए। श्रद्धा आ गई उदय में, श्रद्धा बहुत बड़ी वस्तु है। वो जैसे ज्ञान से ईश्वर मिलता है ना, वैसे श्रद्धा से ईश्वर मिलता है। जैसे तमेव विदित्वा अति मृत्युम एति, जैसे है ना कि परमात्मा को जानोगे तो मृत्यु का अतिक्रमण हो जाएगा। तमेवम विद्वान अमृत ही भवती, परमात्मा को जान लो तो यही अमृतत्व की प्राप्ति होगी। वेद कहता है श्रद्धया सत्यमाप्यते, वेद का मंत्र है श्रद्धया सत्यमाप्यते, श्रद्धा से सत्य की प्राप्ति होती है। ये बड़े बड़े जज हैं, वकील हैं, बैरिस्टर हैं, बड़े बड़े तार्किक हैं महाराज, बाल की खाल खींच लें ऐसे, परंतु उनको परमात्मा का दर्शन होता है, व्यक्ति मिलती है नहीं मिलती है, क्यों नहीं मिलती? श्रद्धा संपत्ति नहीं है उनके अंदर, श्रद्धा की पूंजी नहीं है। श्रद्धा चाहिए, श्रद्धा तो बहुत निश्चय दार्ढ्या ऊर्ध्वम शास्त्र रक्षणम, नहीं तो चलो वृंदावन में आपको दिखावे। सायंकाल का समय, एक भक्त एक पेड़ के नीचे बैठा, आंखों में आंसू, शरीर में रोमांच, बातचीत कर रहा है किससे? संध्या वंदन भद्रमस्तु भवते, हे संध्या वंदन तुम्हारा कल्याण हो, भो स्नान तुभ्यं नमः, हे स्नान तुमको नमस्कार है, भो देवा पितरश्च तर्पण विदौ नाहं क्षमाक्षम्यता, अरे वो देवताओं वो पितरो अब तर्पण हमसे नहीं होता बाबा, क्षमा करो। कि तुम्हें पसंद क्या है? यत्र क्वापि निषद्य यादव कुलो तंसद्य कंसद्यता स्मारम स्मारम अघम हरामि तदलम मन्ये कि मन्ये न मे, चाहे जहाँ कहीं धरती पर बैठ गए उस आसन की जरूरत नहीं है, वो धरती साफ करने की जरूरत नहीं है, जहाँ की एक एक कण ने भगवान के चरणारविंद का स्पर्श प्राप्त किया, जहाँ की धूली जहाँ का चप्पा चप्पा गोपियों की चरण रज से, गोपियों के चरण स्पर्श से पूत है, जिसमें उद्धव आदि भक्त लौट चुके हैं, तो जिसमें जिसमें अक्रूर आदि भक्त स्नान कर चुके हैं, जिसमें ब्रह्मा और इंद्र जहाँ की रज में धूप बनना चाहते हैं, घास बनना चाहते हैं, सब बस उस रज में कहीं भी बैठ जाए, यत्र क्वापि निषद्य यादव कुलो कंसस्य कंसद्विषः, यदुवंश शिरोमणि नंदनंदन श्याम सुंदर उनका होवे स्मरण, स्मारम स्मारमगम मरामि, याद आती है और सारे पाप नष्ट होते हैं। देखो री यह नंद का छोरा बर्फी मारे जाता है, याद आ गई ना, बर्फी सी तिरछी चितवन से पहनी फिरी चलाता है, हमको घायल देख बिगड़ दी मंद मंद मुस्काता है, प्रेमाश्रु भय भय करके मुख पर आ रहे हैं, कंठ गदगद हो रहा है, नास्माकम क्षण मात्रम अभ्यवतरा कृष्णार्चनम गुरुवताम, बाबा हम श्री कृष्ण का नाम ले रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, क्षण मात्र भी हमारे पास मौका नहीं अवसर नहीं है, ये चारों तरह की मुक्ति हमारे दरवाजे पर आकर के क्या खटपट कर रही है, अपना समय श्री कृष्ण के नामोच्चारण में ध्यान में बीत रहा है, ये याद ही नहीं है कि कर्म कांड क्या है, कब संध्या वंदन करना, कब स्नान करना, तदलम मन्ये कि मन्ये न मे, मैं इसी को बहुत समझता हूँ बाबा, मुझे और किसी की जरूरत नहीं है, मेरे लिए इतना ही काफी है कि भगवान का नाम तो हमारे मुंह से निकलता है। तो ये बात है भक्त के लिए, का भक्त के लिए किसी कर्मकांड की जरूरत नहीं, उसके कर्मकांड का फल भगवान की भक्ति है, भक्त को किसी ज्ञान की जरूरत नहीं, संपूर्ण ज्ञानों के फल भगवान है, जो उसकी आंखों में बसे हैं, उसके हृदय में बसे हैं, तो वो आराध्य है, एक हुतो सो गयो श्याम संग, वो आराध्य ही उर्मे सुंदर श्याम गरे ही हमें रहो नाही न छोर, जिस देखा तिस श्याम मई है। उद्धव जी ने गोपी से कहा कि कृष्ण के वियोग से बड़ा दुख है, बोले कृष्ण कृष्ण बोलो वियोग कहाँ,
यहाँ तो जित देखो तित श्यामय है, हमारे तो कृष्ण ही कृष्ण है। बोले योग करो कहीं हमें रहो ना ही ने टोर, बोले उपासना करो तो आराधे ही। मन तो श्याम सुंदर के साथ है, एक ने कहा मन श्याम सुंदर के साथ गया, मन ही नहीं है तो उपासना कौन करे। एक ने कहा हमारे हृदय में मौजूद है ना ही न रहो ये मा छोर। दूसरे ने कहा जित, तीसरे ने कहा जित देखो जित श्याम मई है, कौन उपदेश करे। तो ऐसी स्थिति में लोक मर्यादा की या वेद मर्यादा की रक्षा करने की जरूरत नहीं रहती, जब तक भक्ति मिली नहीं है ना। जब तक भक्ति मिली नहीं तब तक भक्ति प्राप्त करने की कोशिश करो, जब मिल जाए तब जो होना होगा तो हो लेंगे। एक बार एक महात्मा के पास में गया, मैंने उनसे पूछा कि महाराज जब भगवान का दर्शन हो जाता है, मिल जाते हैं भगवान, तब क्या होता है। इसी से एक तरफ की बात है, तो बोले कि देखो जब तक मिले नहीं है तब तक के लिए पूछो कि कैसे करें तो मिले, कहाँ जाएं तो मिले, कब मिले, है ना। ये पूछो कब मिले, कब मिले, कब मिले, कहाँ मिले, कैसे मिले। जब मिल जाएंगे तब वो तुमको क्या करेंगे है? तुमको अपने छाती से दबा के पीस देंगे कि तुम्हारा गला काट देंगे, है ना, और कि तुम्हें पांव से रौंद देंगे कि तुमको अपने में मिला लेंगे। इससे तुम्हारा क्या मतलब है? उनके जाने के बाद, उनके पास जाने के बाद, उनके पास पहुंच जाने के बाद वो तुम्हारा क्या उपयोग करेंगे, ये प्रश्न तुम क्यों करते हो। वो तो फिर उनकी इच्छा, जो उनकी मौत, वो चाहेंगे कब, वो चाहेंगे हंसावेंगे, वो चाहेंगे नचावेंगे, वो चाहेंगे ज्ञान दे लेंगे, वो चाहेंगे समाधि लगा लेंगे, वो चाहेंगे हृदय से लगा लेंगे। उनसे मिलने के बाद का प्रश्न कहाँ है? प्रश्न तो सारा ये है कि कब मिले, कहाँ मिले, कैसे मिले, ये प्रश्न है। मिलने के बाद का, मिलने के बाद का प्रश्न नहीं है। वो कहेंगे कि चोरी करो तो चोरी करना, यदि मिलने के बाद वो कहें कि जाओ तुम थोड़ी चोरी करके ले आओ, है ना, हम तो बड़ी खुशी होगी। तो बोले अच्छा हम चोरी भी करते हैं और पकड़े जाएंगे तो जेल में भी जाते हैं और चोरी करने के अपराध में नरक में भी जाएंगे, बोला, लेकिन अगर तुम्हें चोरी करने से खुशी होती है तो हम चोरी करेंगे। हम तुमको खुश करना चाहते हैं, हमको न जेल का डर है, न नरक का डर है, न चोरी का डर है, का हमको तो तुम्हारी प्रसन्नता चाहिए। अगर वो हुक्म दे दे तो बोले जो हुक्म दे दे सो करना पड़ेगा, करोगे, जानबूझ ना कर नहीं सकते। ये प्रेम महाराज प्रेम पराधीन बनाने वाला है, प्रेम परवश बनाने वाला है। प्रेम के रास्ते में चलो भी और अपना मान भी रखना चाहो, अपनी जिद भी रखना चाहो, अब तो वो जिससे प्रेम है वो जैसे चाहेगा वैसे नचा लेगा, उसके पास पहुँच तो जाओ। इसी से ब्रह्मात्मय के बोध होने के पश्चात जीवन मुक्त कैसे रहेगा, जीवन मुक्त पुरुष किस ढंग से रहेगा, इसका नियम आज तक न वेद कर सके, न पुराण कर सके, न शास्त्र कर सके, कोई कर ही नहीं सकता। मिलने के बाद का कैसे नियम, वो समाधि मत कर्माणी माँ करो तू करो तू बा, समाधि लगावे चाहे कर्म करे चाहे कुछ न करे, शास्त्रीय आचरण करे अशास्त्रीय आचरण करे, उलट दे उसको रोकने वाला, उसको रोकने वाला संसार में कोई नहीं है। यथा रब्धम प्रवर्तताम व्यवहारो लौकिको वा शास्त्रीयो वा न्यथापि वा ममा कर्तुरलेपस्य यथा रब्धम प्रवर्तताम। तो बाबा चाहे व्यवहार शास्त्रीय हो चाहे लौकिक हो चाहे उल्टा हो, जैसा प्रारब्ध है वैसा वैसा व्यवहार हो, तो जैसे निर्गुण ब्रह्मात्मयी की अनुभूति होने के पश्चात शास्त्र का नियंत्रण नहीं रह जाता, वैसे सगुण ब्रह्मानुभूति होने के पश्चात भी शास्त्र का नियंत्रण नहीं रह जाता है, कब वो पुरुष बिल्कुल जीवन मुक्त हो जाता है, वहाँ पातित्य की कोई आशंका ही नहीं है। इसलिए जब तक निश्चय दृढ़ नहीं होता है तब तक सावधान रह करके अपने को भगवान के पास पहुँचा दो, और पहुँच जाने के बाद फिर उनके लिए छोड़ रखो। वो जैसे रखेंगे जैसे नचावेंगे वैसे नाचना, जैसे करावे वैसे करना, सुलावे तो सोना, हंसावे तो हंसना, बेचे तो बिक जाना। दिविवा भूविवा ममा सुगासु नरके वा नरकांत का प्रकामम
अवधीरित शारदारविंद चरण से मरणे भी चिंतयामी। बस हमारी जिद तो इतनी है कि तुम्हारे चरणारविंद का स्मरण होता रहे। स्वर्ग में रखोगे तो स्वर्ग में रहेंगे, नरक में रखोगे तो नरक में रहेंगे, धरती पर रखोगे तो धरती में रहेंगे, मार डालोगे तो मर जाएंगे। बाबा हमको तो तुम्हारी याद से मतलब है। स्वर्ग नरक, स्वर्ग नरक अपवर्ग समाना, जहाँ तह दीख भरे भलवाना। स्वर्ग में रहे, नरक में रहे, मोक्ष में रहे, जहाँ रहे वहाँ वो हमारा जो इष्ट देव है मनुष्यधारी राम, वो मुरलीधारी श्याम, वो त्रिशूलधारी गौरी शंकर भगवान काशी पति विश्वनाथ, कभी जो हमारे इष्ट देव है वो हमारे हृदय में, हमारे नस नस में, हमारे रग रग में, वृत्ति वृत्ति में कब ये भरे रहे। कब उसके बाद हमारे लिए ये कोई प्रश्न ही नहीं है कि कैसे रहना। तो बोले भाई लोक की रक्षा, लोक की रक्षा के चक्कर में भी ज्यादा नहीं पड़ना। पहले अपना निश्चय दृढ़ करो कि सब भगवान के लिए है। लोक मर्यादा की रक्षा की जिम्मेवारी भी, लोक मर्यादा भी तभी तक विघ्न डालती है जब तक निश्चय दृढ़ नहीं है। जब निश्चय दृढ़ हो जाए तो लोक मर्यादा का कभी पालन भी करना पड़े तो पालन भी करो, उसकी कोई बात नहीं है। और भोजन आदि व्यापारस्तु आ शरीर धारणावधि, कहो भाई खाना पीना देखने में आया, चार जनों ने एक साथ भांग पिया, चार जनों ने बनारस की तरफ, जानते हो आप बनारस है, विंध्याचल है, प्रयाग है, मथुरा है, उत्तर प्रदेश में भांग पीने की प्रथा कुछ अधिक ही है मेरे ख्याल से, और पंडे लोग तो बहुत ज्यादा पीते हैं। मस्ताने लोग चार ने भांग पी, अब एक ही साथ घुटी, एक ही साथ छनी, बराबर ठंडाई, बराबर शक्कर, बराबर भांग, सब ने बराबर पी। और उसके बाद क्या हुआ है? एक को तो बड़े जोर से नींद आई, जाके सो गया है? और एक को गाना सूझा हो तो वो गाने लग गया, एक को गाली सूझी वो गाली देने लग गया, और एक को भगवान का स्मरण हुआ और जा करके बैठ करके भगवान का ध्यान करने लगा। बोले भाई भांग एक ही, समय एक ही, घुटाई एक, ठंडाई एक, मात्रा एक, ये एक गाली देता है, एक सोता है, एक ध्यान करता है, एक गाता है, ये भेद क्यों है? बोले उनके संस्कार में जो भेद है ना, उससे भेद हो गया है ना। भांगते ऐसे ज्ञान एक ही होता है, भक्ति एक ही होती है, लेकिन जब ज्ञान का और भक्ति का जब नशा चढ़ता है, जब उसकी खुमारी आती है, तो सबका आचरण, सबका आचरण एक साथ नहीं होता है, एक सार नहीं होता, एक तरीका नहीं होता, अलग अलग, जैसा प्रारब्ध है, जैसा संस्कार है, जैसा संघ है ना। जिसको कुर्सी पर बैठने की आदत है वो ज्ञान भक्ति हो जाने पर भी कुर्सी पर बैठेगा, और जिसको चौकी पर बैठने की आदत है वो ज्ञान भक्ति हो जाने पर चौकी पर बैठेगा, है ना। जिसको दाल रोटी खाने की आदत है वो दाल रोटी खाएगा, और जिसको दूसरे ढंग का भोजन पसंद है वो दूसरे ढंग का करेगा, क्योंकि वो पसंदगी के संस्कार तो जैसे बचपन से है, जैसे पूर्व जन्म से आए हुए हैं, जैसे प्रारब्ध से हैं, वो जीवन भर रहते हैं। और नशा जो है वो बिल्कुल एक ही होता है, तमोगुणी का दूसरे ढंग से, रजोगुणी का दूसरे ढंग से, सत्वगुणी का दूसरे ढंग से, ये नशे जो है वो जुदा जुदा होते हैं। अब बताते हैं तन लक्षणानि वाच्यन्ते नाना मतभेदात्। अब निश्चय दृढ़ जो होता है भक्ति में, तो भक्ति के नाना लक्षण महात्माओं ने बताए, अनेक लक्षण भक्ति के। क्यों बोले अमत के संबंध में जो लक्षण होता है ना, अमत एक होता है, अमत और एक होता है मत। अमत क्या है? यस्या मतम तस्य मतम, मतम यस्य न वेदता। जो मतातीत परमात्मा है उसके बारे में तो बोलते 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 सब को चुप हो जाना पड़ता है, अंत में चुप हुए बिना काम नहीं बनता है ना। जिज्ञासु के मन में ब्रह्माकार वृत्ति उदय कराने के लिए महात्मा लोग बोलते हैं, और ब्रह्माकार वृत्ति जब उदय हो गई और अविद्या की निवृत्ति हो गई तो उसके लिए बोलने की कोई जरूरत नहीं रही। इसी तरह से भगवदाकार वृत्ति आवे उसके लिए बोलते हैं, लेकिन भक्ति जो है ये तो सबके हृदय में पैदा होती है, एक एक व्यक्ति में भक्ति होती है वो,
व्यक्ति में भक्ति होती है। व्यक्ति का जो हृदय है ना, अनुरक्ति कहाँ होगी? अनुरक्ति तो व्यक्ति में होगी, भक्ति भावात्मक होगी। ज्ञान जो है वो प्रमाण मूलक होता है और भक्ति भाव मूलक होती है। और भक्ति में भगवान विषय होकर के रहता है और ज्ञान में एक बार क्षण भर के लिए ब्रह्म विषय, सकृत विभातम, क्षण भर के लिए विषय हुआ और अविद्या की निवृत्ति हुई और वृत्ति भी बाधित हुई। साध्य वस्तु की प्राप्ति भक्ति के द्वारा होती है और सिद्ध वस्तु की उपलब्धि तत्व ज्ञान के द्वारा होती है। बड़ा विलक्षण है। तो प्रत्येक मति में भक्ति का ढंग कुछ निराला होता है, निराला निराला ढंग होता है। इसलिए व्यास जी भक्ति का कुछ दूसरा लक्षण बताते हैं, गर्ग जी भक्ति का कुछ दूसरा लक्षण बताते हैं, सांडिल्य जी भक्ति का कुछ दूसरा लक्षण बताते हैं, नारद जी भक्ति का कुछ दूसरा लक्षण बताते हैं। वो जो भक्ति के लक्षण है, भक्ति की पहचान है, वो अनेक मतों में अनेक प्रकार से जो वर्णन की गई है, अब उसका वर्णन करते हैं। तल लक्षणानि वाच्यन्ते नाना मतभेदात्। अब उसका प्रसंग फिर आप बोलो।